दोस्तों, कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों को गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं। कुछ तो गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं और इसके अलावा इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नोरप्लांट, डिपो प्रोबेरा, आईपिल है, एक ई पिल है। ऐसे करके कुछ और अलग अलग नामों से हमारे देश की माताओं बहनों को ये कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव बेचे जाते हैं। और आपको ये जानकर बहुत दुख होगा, जिन देशों की ये कंपनियां हैं ये सब वो अपने देश की माताओं बहनों को नहीं बेचती हैं, लेकिन भारत में लाकर बेच रही हैं। जैसे ये डिपो प्रोबेरा नाम की तकनीकी इन्होंने विकसित की है गर्भ निरोधन के लिए, ये अमेरिका की एक कंपनी ने विकसित किया है, कंपनी का नाम अबाजोन है। इस कंपनी को अमेरिका सरकार ने बैन किया हुआ है कि ये डिपो प्रोबेरा नाम की तकनीकी को अमेरिका में नहीं बेच सकती हैं, तो कंपनी ने वहाँ नहीं बेचा और अब इसका उत्पादन भारत ले आए और भारत सरकार ने इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और अब ये धांधले से भारत में बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भी भारत की माताओं बहनों को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर इस इंजेक्शन को माताओं बहनों को लगाते रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, ये माताओं बहनों का जो माहवारी का चक्र है इसको पूरा बिगाड़ देता है। कई बार उन माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उनको बताया नहीं और डिपो प्रोबेरा नाम का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनको कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। पता नहीं लाखों माताओं बहनों को ये लगा दिया गया और उनकी ये हालत हो गई। इसी तरह इन्होंने एक नेट ईएन नाम की गर्भ निरोधक के लिए तकनीकी लगाई है, स्टेरॉयड के रूप में माताओं बहनों को दिया जाता है या कभी इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है। इससे उनको गर्भपात हो जाता है और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स हैं उनमें असंतुलन आ जाता है और वो बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट ईएन दिया जाता है। इसकी तरह से RU-496 नाम की एक तकनीकी उन्होंने आई है, फिर रूसल नाम की एक है, फिर एक यूका के एफ नाम की एक है, फिर एक नोरप्लांट, फिर एक प्रजनन टीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं, फिर इसमें ये बहुत बड़ी तकलीफ से आती हैं। ये जिसने भी तरह गर्भ निरोधक उपाय माताओं बहनों को दिए जाते हैं उससे उट्रियूस की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं और अक्सर मासिक चक्र के दौरान कई माताएं बहनें बेहोश हो जाती हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया, जिसके कारण से ये हुआ। और इसी तरह हजारों करोड़ों रुपए की लूट हर साल विदेशी कंपनियां द्वारा ये कॉन्ट्रासेप्टिव बेच कर की जाती हैं। इसके अलावा अभी 3 से 4 साल में कंडोम का व्यापार विदेशी कंपनियों द्वारा बहुत बढ़ गया है और इनका प्रचार होना चाहिए, इसके लिए AIDS का बहाना है। AIDS का बहाना लेकर टीवी में, अखबारों में, मैगजीनों में एक ही बात का विज्ञापन कर रहे हैं कि आप खुद भी करो, कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते कि आप अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते कि आप अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ। वो बताते हैं कि कुछ करो, अर्थात किसी भी माँ बहन बेटी के साथ करो, बस कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। और इसका परिणाम पता क्या हुआ, मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कॉन्डोम हर साल बिकने लगे। 15 साल पहले इनकी संख्या हजारों में भी नहीं थी और इन कंपनियों का टारगेट ये है कि 100 करोड़ कॉन्डोम एक साल नहीं एक दिन में बिकने चाहिए। एड्स का हल्ला मचाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों कॉन्डोम का बाजार खड़ा किया है और कई 100 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा पीट रही हैं। हालांकि एड्स खतरनाक बीमारी है और यौन संसर्ग के अलावा कई अन्य तरीकों से भी इसका प्रसारण होता है, जैसे इंजेक्शन की सुई द्वारा, रक्त लेने से एवं पसीने के संपर्क द्वारा। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शाह पर एड्स को रोकने के
के जिन तरीकों को ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है उनमें से सुरक्षित संभोग और कॉन्डोम का प्रयोग डॉक्टर लार्ड और कलिंग्स के अनुसार एक बार के यौन संपर्क में 0.11% सुई से 0.51% रक्त चढ़ाए जाने से 0.9% एड्स होने की संभावना रहती है। इस तरह संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग या सुई के इस्तेमाल और रक्त चढ़ाने में एड्स होने के बराबर संभावनाएं रहती हैं। देश में यौन संबंधों के लायक सिर्फ 30% लोग ही हैं जो अधिकतर अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संपर्क नहीं बनाते। दूसरी तरफ बच्चे से लेकर बूढ़े तक इंजेक्शन की सुई का प्रयोग करते हैं, अतः इस रास्ते एड्स फैलने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसके अलावा रक्त द्वारा इस बीमारी का होना लगभग तय है और अभी भी हमारे देश में 50% मामलों में रक्त बिना जांच के ही चढ़ा दिए जाते हैं। भारत में विशेष स्थितियों के उपयुक्त दोनों तरीकों से एड्स प्रसारण की ज़्यादा संभावनाओं को नज़रअंदाज कर यौन संपर्कों को ही मुख्य जिम्मेदार मानना पश्चिम का प्रभाव और कॉन्डोम निर्माण कंपनियों की पहुंच का ही परिणाम है। विलासी उपयोगकर्तावादी संस्कृति के इस दौर में कॉन्डोम संस्कृति और उसका प्रचार विवाहोत्तर यौन संबंधों को बढ़ाकर इस बीमारी की जड़ को हरा ही बनाएंगे। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ रुपए का कॉन्डोम देसी कंपनियां और इतना ही कॉन्डोम विदेशी कंपनियां बेच रही हैं। देसी कॉन्डोम के बारे में यह बात खास तौर से उल्लेखनीय है कि 1982 से ही सरकार ने इनके आयात पर से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया था और उन फैसले के बाद ही देश का बाजार विदेशी कॉन्डोम से भर गया। करीब 25 से 30 एजेंसियां जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड वगैरह के कॉन्डोम थोक के भाव मंगाती और बेचती हैं। करीब 20 देसी व 80 विदेशी ब्रांडों अर्थात 100 से ज़्यादा ब्रांडों में 100 करोड़ से ज़्यादा कॉन्डोम सालाना बिक रहे हैं। मुक्त यौन की संस्कृति और उसे कॉन्डोम द्वारा सुरक्षा कवच पहनाकर प्रचारित करने से युवाओं की ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में मोड़ दिया गया है, यह अलग से एक बहुत ही गंभीर सवाल है। अतः सरकार और विदेशी कंपनियां एड्स रोकने से ज़्यादा कॉन्डोम की बिक्री बढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए देश की युवाओं को बहलाया फुसलाया जा रहा है ताकि विवाह से पहले ही किसी भी लड़की के साथ संबंध स्थापित करें और एक पत्नी से अधिक औरतों से संबंध बनाएं, जिससे समाज और परिवार खत्म हो जाए ताकि देश की सनातन संस्कृति को खत्म कर देश को जल्दी ही अमेरिका की कुत्ता संस्कृति से मिलाया जाए। कुत्ता संस्कृति से अभिप्राय सुबह किसी के साथ, दोपहर किसी के साथ, अगले दिन किसी के साथ। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और अपनी ओपिनियन, अपनी राय या आपका कोई सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह फैला दीजिए ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके और इन सभी बीमारियों से चक्कर में ना आएं, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस, लेटेस्ट जानकारियों के अपडेट आपको मिलते रहें। यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी।